आशीष अंतिम सफर पर विदाई देने उमड़े लोग। पार्थिव शरीर पैतृक गांव बिंझौल रवाना। अंतिम यात्रा में 1 किलोमीटर लंबा काफिला। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष धोनचक 36 का पार्थिव शरीर पानीपत से उनके पैतृक गांव बिंझौल कुछ देर में पहुंचने वाला है। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार के साथ करीब 1 किलोमीटर लंबा काफिला चल रहा है। अंतिम विदाई देने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। हाईवे के दोनों तरफ लोगों ने फूल बरसाकर अंतिम विदाई दी। पानीपत से उनके गांव की दूरी 8 किलोमीटर है। शहीद मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को शुक्रवार 15 सितंबर की सुबह पानीपत के TDI सिटी स्थित उनके नए मकान में लाया गया, जिसे आशीष 2 साल से बनवा रहे थे। अक्टूबर में अपने जन्मदिन पर जागरण के साथ गृह प्रवेश करना था। आज उस मकान में उसके पार्थिव शरीर को लाया गया। आशीष के पिता लालचंद NFL से रिटायरमेंट के बाद सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते हैं। अंतिम यात्रा के दौरान शहीद मेजर आशीष की बहनें और मां भी बिंझौल जा रही हैं। मेरा भाई हमारा और देश का गर्व है। उनकी मां लगातार हाथ जोड़े हुए है, जबकि बहन अपने भाई को सैल्यूट कर रही है। बहन का हाथ माथे से नहीं हट रहा है।